सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जयकारा शेरावाली जी दा भूसांचे दरबार की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि सम सप्तश्लोकी दुर्गा शिववाच। देवी त्वमत्तसुलभे सर्वकार्यविधायिनि कलाधिकारसिद्ध्यर्थमुपायं ब्रूहि यत्नतः। देव्युवाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्टसाधनम् मया तवैव स्नेहेन ब्रह्मः स्तुतिः प्रकाश्यते। ॐ अचरी दुर्गा सप्तश्लोकी सौतमन्दस्य नारायण इतिवशन्मः श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यदेवता श्री दुर्गा प्रीत्यदम् सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः। ॐ ज्ञानी नाम विजेतांसि देवी भगवते हिता वलादाकृष्य मोहाय महामाया व्यच्छति। दुर्गे स्मिता हर्षि भीतिमशेषयन्तः स्वस्थे स्मिता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्यदुःखवैहारिणिका तदन्या सर्वोपकारकरणाय सदा दधिता। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। शरणागतदीनाथ परित्राणपरायणे सर्वख्यातिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेषु सर्वशक्तिसमन्विते भयवस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। रोगान् शेषानपहान् दुष्टान् रुष्टान् कामान् सकलानभीष्टान् स्वामाशिधानां न विपन्नराणाम् स्वामाश्रयाशयतां प्रयान्ति सर्वबाधा प्रशानं त्रैलोक्यसखिलेश्वरी। एवमेव त्यागायमस्मद्वैरिविनाशनम्। ॐ श्री दुर्गायै नमः। श्री दुर्गाष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम् ईश्वरवाच। शतनाम प्रवक्ष्यामि सुनश्व कमलानने यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सति। ॐ सलिसाद्धि भवत्रीता भवानि भवजने आर्या दुर्गा जया जात्याद्यताशोकधारिणी पिनाकधारिणी चित्ता चण्डघण्टा महातपाः मनोबुद्धिरहङ्काराचित्तरूपाजिराजिः सर्वमन्दामयि सत्या सत्यानन्दस्वरूपिणी अनन्ता भावनि भव्या 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 सदा गतिः। शाम्भवी देवमाता च चिन्तारत्नप्रिया सदा सर्वविद्यादक्षकन्या दक्षयज्ञा विनाशिनी।
अपर्णाने कवर्णाज पाटला पाटलावदे पट्टाम्बरपरीदारा कलमञ्जीरञ्जने अवे अवित्रभाग्रोदा सुन्दरे जलसुन्दरे वनदुर्गा च मातङ्गे मतङ्गमणिपूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी चन्द कौमारी वैष्णवे तथा चामुण्डा जैव भाराये लक्ष्मी च वर्षागिदेः विमलोकर्षणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेम सर्ववाहन वाहना विशुम्ब शुम्बहनने महिषासुरमर्दने मधुकैलवहन्ते च चन्दमुण्डविनाशने सर्वासुरविनाशा च सर्वदानवघातिने सर्वशास्त्रमये सत्या सर्वास्त्रधारणे तथा अनेकशस्त्रहस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणे कुमारी चैककन्या च केशरे युवदेयतेः अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता फलप्रदा महोदरी मुक्तकेशे घोररूपा महाबला अग्निज्वालारुद्रमुखे कालरात्रे तपस्विने नारायणे भद्रकाले विश्वमायायलोदरे शिवज्योतिकराले च अनन्ता परमेश्वरे कात्यायने च सावित्रे प्रत्यक्षा ब्रह्मवादने यायिनां प्रभटे नित्यं दुर्गा रामाजिदाशकाम् नासाध्यं विद्यते देहि त्रिशो लोकेश पार्वते धनं धान्यं सुतं जायामयं हस्तिनमेव च चतुर्वर्णं तथा चान्द्र लभे मुक्तिञ्च शाश्वते कुमारीं पूजयित्वादो ज्ञात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजयेत्तया भक्त्या भजे रामशिदाशकम् तस्य सिद्धिर्भवे देवि सर्वैश्वरैरपि राजानो दासताम्यान्ते राज्यश्रियमवाप्नुयात् घोरोचनालक्तकुवङ्गमेन सिन्दूरकर्पूरमधुत्वेन विलिख्ययन्त्रं विलिना विलिख्य भवे सदाधार्यते पुरारिः भौमावास्यानि सामग्र्य चन्द्रे सद्विषां गते विलिख्यापटे सोत्रं स्वभवे सम्पदा ओ। इस समय इस पवित्र गुफा में वैष्णो माता जी की प्रातःकालीन आरती षोडशोपचार द्वारा पंचामिश से विधिवत वैदिक रीति से हो रही है। आप श्रद्धालु भक्तजन विद्वानों के मुखारविंद से श्री दुर्गा सप्तशती जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे। विश्व के कल्याण में ही हम सभी का कल्याण भी निहित है। इस समय केवल हम भक्त ही नहीं सभी देवता भी स्वर्ग लोक से उतरकर माता जी की इस दिव्यारती का आनंद प्राप्त करने के लिए अपना सूक्ष्म रूप धारण करके इस पवित्र गुफा में पधारते हैं। सभी से निवेदन है कि वे श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के चरणों में ध्यान करते हुए इस दिव्य पाठ का श्रवण एवं स्वयं पाठ करें। अथ देव्याः कवचम् ॐ अस्य श्रीचण्डे कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टवछन्दः चामुण्डा देवता अङ्गनासोक्तमातरभीजम् दिग्वन्ददेवता सत्त्वम् श्रीजगदम्बापि जर्दे सप्तशरीपाराङ्गद्वयम् जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डेवाच ॐ यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरज्जागरं निनाम यन्न कस्य जुराग्रहणं तणे गुहे पितामहः ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं यत्र सर्वभूतापकारकम् देव्यासु कवचं पञ्चं दशदश महामने प्रथमं शैलबुद्धे च द्वितीयं ब्रह्मचारिणे तृतीयं चन्द्रखण्डेति कृष्णादेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमादेति षष्ठं कात्यायनेति च
सप्तमं काल राते दे महागौरीत ज्येष्ठमाम् नवमं सिद्धिदाते च नवदुर्गापगेदिदाः उक्ताने दानि नामानि ब्रह्मदेव महात्मना अग्निनादयमानस्तु शत्रुमध्ये गदारणे विश्वमे दुर्गमे चैव भयातः शरणं गताः न तेषां जायते किञ्चित् अशुभं रणसङ्कटे नावरं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं न हि येषु लज्जास्तु दानो न तेषां विद्येव जायते ये त्वां स्मरन्ति रक्षशेदान संशयः प्रेत संसाधु चामुण्डा वाराही महिषासना इन्द्रियगरसमारूढा वैश्वी गरुडासना महेश्वरी विशारूढा कौमारी जिगिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महर्ता हरिप्रिया श्वेतरूपा धरा देवी ईश्वरी विशवाहना ब्राह्मी हंस समारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येतामातरः सर्वः सर्वयोगसमन्विताः नानावर्णसौभाग्या नानारत्नपशोभिताः निश्चन्दरसमारूढा दिव्या क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शते हलं च मुदलायुधं खेदकं दोमरं चैव परशुं भाषमेव च कुन्दायुधं त्रिशूलं च शारङ्गभायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामवयाय च धारयन्तायुधाने तां देवानां जयिदाय वे नमस्ते तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशने प्राणिनां देवि दुर्शेषे शत्रुणामयवर्धने राज्यानक्षतु भावेति आग्नेयामग्निदेवता रक्षणेव तु भाराय नैत्यां खड्गधारिणे प्रतिचावारुणे रज्यभायभ्यामिवाहिने दुधिचावारु कौमारि यशानाशोरधारिणे ओटं ब्रह्माणि मे रक्ष अरस्था वैष्णवे तथा एवं दशशो रक्ष चामुण्डाशववाहना जया मे जाग्रता पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वाम पाशयतु दक्षिण च पराजिता शिखामुद्योदने रक्ष गुहामोधे व्यवस्थिता मालागरी ललाटे च भुवरज्ञ यशस्वने त्रिनेत्रा च भुवोर्मध्ये यमखण्डा जनाधिगे शङ्कणे चक्षुरोर्मध्ये श्रोतयोद्धारवासिने कपोलोकालिका रक्ष कर्णभोले दुशाङ्करे नासिकायां सुगन्धाजो हस्तरसे जजिगा अगरे चाम्यकला जिह्वायां च सरस्वते गन्धा रक्षतु कौमारी गण्डदेशे च चण्डिकां गण्डिकां चित्तखण्डा च महामाया च तालुके कामाक्षी तु कुम्रक्ष वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां मध्यकाली च पृष्ठभञ्जनलोधरे नीलग्रीवा बही कण्ठ नलिकां नलगोभरे स्कन्दयो खड्गनीरज्य बाहुमे वज्रधारिणे हस्तयो दण्डनीरज्य अम्बिका जाङ्गलेश च नगाञ्चुलेश्वरीरज्य कुक्षारज्य गणेशरे तनोरक्ष महादेवी मनाशोकविनाशने हृदय ललिता देवी उदरे शूरधारिणे नाभो च कामनीरज्य गुह्यं गुह्येश्वरे तदा भूतनागामि कामेदं गुदमेशवाहिने दष्ट्यां भगवद्धीरज्य यानुने विन्ध्यवासिने जङ्गे महामदारज्य सर्वकामं प्रदायने गुल्भ्यो नारसिंहे च माधविष्टे दुदजसे पादाङ्गुलेषु श्रीरक्ष पादाधस्तनवासिने नवादशाकराले च गेजाशवादगेशने रोमकोमेषु कोमेरि स्वरं भागेश्वरे तथा रक्तमज्जावसामासा यस्ति मेदान्ति पार्वते अन्तारे कालहतिश्च वृत्तं रामगणेश्वरे
पद्मावती पद्मकोश कवचूरामणि सदा ज्वालामुखी नखज्ज्वाला सर्वसन्धिजो शुक्रं ब्रह्माणि वेदज्ञायां सत्ये शरी तथा अहंकार मनोबुद्धे लक्ष्यमे धर्मधारिणी प्राणापानो तथा व्यानम उदानम च समानकम् भगवता च वेदज्ञ प्राणम कल्याण शोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिने सत्त्वं रजस्तमज्ये नारायणी सदा आयो रक्षतु वाराये धर्मं रक्षतु वैश्ये यशाकेतेन्द्र लक्ष्मीञ्च धन विद्यां च चक्रणे गोत्रमिन्द्राणि मे रज्य पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रा रक्ष महालक्ष भार्यां रक्षतु भैरवे पन्थानां सुभदा रज्य भागं सेवकरे तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वदा स्थिता रक्षायेण तु ज्येष्ठानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवि जयन्ति पापनाशने फलमेकं न गच्छेत् जगिच्छेदमात्मनः कवचेनापृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्तदत्तार्थलाभश्च विजया सर्वकामिकः जं जं चिन्तयते कालं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् परमेश्वर अपदलं प्राप्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मत्या सङ्ग्रामे शपरायितः ते लोके तु भवतु ज्या कवचेनामृतापमान् इदं तु देव्यः कवचं देवानामपि दुर्लभम् जापटे त्रिसद्यान् सद्यान्वितः देवी कला भवेदस्य त्रैलोके शपरायितः जीवे वर्षशतं साग्रभवमित्यो विवर्जितः नश्यन्ति जाग्रहा सर्वे लोता विश्वोदगादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चाभियद्विषम् अविचारानि सर्वाणि बन्धयन्तानि भूतले भूतराके च राजय यदयाश्च परेशिका सजाकुलरामाला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्ष राघोरा राकिन्यश्च महाबला ब्रह्मभूतविषादा च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराजवेताः कुष्माडा भैरवादयः दर्शन्ति दर्शनादस्य कवचे संस्थिते मानानिर्भवेदाग्रेजोद्धिकरं परम् यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपे सप्तशति चन्द्रे कृत्वा तु कवचं पुरा यावत् मण्डलं दत्ते सजलवनकारणम् तावत्तिष्ठे पुत्रपातके देहान्ते परमहंसान यस्सुरेरपि दुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यमाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते अथार्गलास्तोत्रम् ॐ अस्य श्रीर्गलास्तोत्रमन्दस्य विश्वऋषिः अनुजवछन्दः श्रीमहालक्ष्मीदेवता श्रीजगदम्बापीतये सप्तशतीपादाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डेवाच ॐ जयन्ति मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा च वाशुवादाते स्वाहा सदा नमोऽस्तुते जय त्वं देवि चामुण्डा जय भूतादिहारिणी जय सर्वगते देवि कालरात्रि नमोऽस्तुते मधुकैनव विद्रावि विरात्रिवरदे नमः रूपं देहि जयं देहि जशा देहि दिशा जहि महिषासुरनिर्णाति भक्तानां सुकृते नमः रूपं देहि जयं देहि जशा देहि दिशा जहि
रक्तवीरवरदेवे चण्डमण्डविनाशने रूपं देहि जयं देहि जश देहि दशायहि शुम्भव्य दुम्नायश्च मर्दिने रूपं देहि जयं देहि जश देहि दशायहि वन्दिताङ्गिरुदेवे सर्वसौभाग्यदायिने रूपं देहि जयं देहि जश देहि दशायहि अजिन्दरूपचर्य सर्वशत्रो विराजने रूपं देहि जयं देहि जश देहि दशायहि नदेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिकेतुजितापहे रूपं देहि जयं देहि जश देहि दशायहि तुभ्यो भक्तिपूर्वता चण्डिके व्याधिनाशने रूपं देहि जयं देहि जश देहि दशायहि चण्डिके सततं जयता मध्यन्देह भक्तिनः रूपं देहि जयं देहि जश देहि दशायहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखम् रूपं देहि जयं देहि जश देहि दशायहि विदेहि दिशुदानादं विदेहि परमज्ञगै रूपं देहि जयं देहि जश देहि दशायहि विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमाशियां रूपं देहि जयं देहि जश देहि दशायहि सुरासुरशुरोरत्न निश्चितजैनम्बिकै रूपं देहि जयं देहि जश देहि दशायहि विद्यावन्दं जशस्वन्दं लक्ष्मीवन्दयनं कुरु रूपं देहि जयं देहि जश देहि दशायहि प्रचण्डदैत्यदर्वग्ने चण्डिकृपणदाय मे रूपं देहि जयं देहि जश देहि दशायहि चतुर्भुज चतुर्वज संसदे परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि जश देहि दशायहि कृष्णेन संसुदे देवि शस्वभक्त्यासदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि जश देहि दशायहि हिमाचल सुदानाद संसदे परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि जश देहि दशायहि इन्द्राणिपदि सर्वाव पूजिते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि जश देहि दशायहि देवि प्रचण्डदण्डदर्वाविनाशने रूपं देहि जयं देहि जश देहि दशायहि देवि भक्तगणोदावदत्तानन्दोदयम्बिके रूपं देहि जयं देहि जश देहि दशायहि पत्नी मनोरमाङ्गेहि मनोवृत्तानुसारिणि कारणे दुर्गसंसार सागरस्य कुलत्वम् इदं सोत्रं पठित्वा तु महासोत्रं पठे नरः साधु सप्तशति सङ्ख्या परमाप्नोति संवराम् ॐ अथ कीलकम् ॐ अथ श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवादिशिः अनुजवच्छन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बातीत्यर्थम् सप्तशति पाठाध्येन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डेयोवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदे दिव्यचक्षुषे श्रेयापाद्युनिमित्ताय नमः सोमाधधारिणे सर्वमेतद्विजानीयामन्त्रानामविकीरकम् सोऽविषयमवाप्नोति सततं व्याप्य तत्परः सिद्ध्यन्तु चारणादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन सुरदान्देहि स्वर्थमात्रेण सिद्ध्यते नामन्दोनौषधं तत्र नागिञ्चेदमि विद्यते विराजाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चारणादिकम् सुभग्नान् विशुद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमामरः ृत्वानुमन्त्रयावाद सर्वमेवामिदं शुभम् स्तोत्रं चण्डिकाया स्तोत्र च गुप्तं जगासः
सभाग्नियन्तराम् स्वभिक्षमवाप्नोति सर्वमेव न संशयः कृष्णायाम्याः समाहितः रूपेण महादेवेन कीलितम् यो निष्किलाम् विधायेन नित्यम् जपति संस्तुतम् स सिद्धः सागरासोऽपि गन्धर्वयायते नरः न च सप्तस्य वयम् कापि हयायते नापमिद्यो वशम् यादि यदा मोक्षामुवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वा न विनश्यति ततो ज्ञातेव सम्पन्नमिदम् प्रारभ्यते भुजैः सौभाग्यादिकिञ्च दृश्यते ललनायने तत्सर्वम् तत्प्रसादेन तेन याप्यामिदम् शुभम् क्षणेषु याप्यमाणेति सोक्ते सम्पत्तिरुद्योगैः भवत्येव समग्रावीतः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यम् यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानि परो मोक्ष श्रूयते सारगञ्जनैः ॐ श्रद्धालु भक्तजन अभी तक श्री वेदव्यास द्वारा विरचित मार्कंडेय प्राण से उद्धृत श्री दुर्गा सप्तशती जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे थे। अभी स्तोत्र पाठ होगा। स्तोत्र पाठ से भक्तों के घरों में सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है। विशेषतया आपके रोगों शत्रुओं दुख एवं दारिद्र का विनाश होता है। मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री महिषासुर मर्दनी स्तोत्र भगवती है श्रीकांत कुटुम दिन भोर कुटुम दिन भोर जय जय हे माई सासुर मार दिन रम नक दिन शैल सुते दूर मुख मार दिन हर सर दे मन को जल शंकर जय जय हे माई सासुर मर्दिन रम्य कबर दिन शैल सुते हरि जगदम कमलम बकरम भवन प्रियवादिन आदर दे श्रीहरि शिरोमणि तुम परिवार सिंह निदालय मध्य गवे मधु मधुर मधु जय नव गंजन जय नव भंजन आदर दे हे माई सासुर मर्दिन रम्य कबर दिन शैल सुते हरि सत कंठ विकंठ धरुण दंड दंड गदाधिपते रिपुगत कंठ विदारण दंड पराक्रम दंड मृगाधिपते निर्मुद दंड निवारित कंठ विवादित मंडप दाधिपते हे माई सासुर मर्दिन रम्य कबर दिन शैल सुते शिव शिव शंभु
जय जय हे वैशा
अभी अंत में पृष्ठ नंबर 30 पर क्षमा प्रार्थना निकाल लीजिएगा। अथ क्षमा प्रार्थना अपराध सहस्राणि श्रद्धालु भक्तजन ओंकार अक्षय गणनाद करेंगे एक साथ उच्च स्वर से लंबे स्वर से हृदय से आवाज निकालते हुए माता जी के चरणों में यह प्रार्थना करते हुए हे माँ इन पद्म स्तोत्रों से यदि कहीं भी कुछ भक्ति का लेश मिले उसी से प्रसन्न हो जाओ हमारे अपराधों को क्षमा करो एवं मनोकामना को पूर्ण करो ऐसा मन में माता जी के चरणों में भाव करते हुए आप सभी भक्तजन 3 बार एक साथ ओंकार अक्षय का नाद कीजिएगा। Oh.
ओंकारं बिन्दुं संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव श्री ओंकाराय नमो नमः। योगीजन बिंदु से संयुक्त इस ओंकार का नित्य प्रति काम एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए ध्यान करते हैं। हमारी सृष्टि का स्वरूप भी ओंकार स्वरूपा ही है तथा इसके आदि एवं अंत में इसी अक्षर का गुंजायमान सदैव होता रहता है। ओंकार अक्षर के जाप से उच्चारण से कई आदि व्याधियों का विनाश भी होता है। हे माँ, इस प्रणव अक्षर ओंकार में अकार ओकार और मकार के रूप में ब्रह्मा विष्णु एवं महेश के रूप में आपकी नित्य स्थिति है तथा बिंदु स्वरूपा अर्धमात्रा जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता वह भी आप ही है। सचियां जोता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरा वाली जीदा बोल सच्चे दरबार की। अभी आप सभी श्रद्धालु भक्तों ने पूर्ण तन्मयता से तल्लीन होकर श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के इस दिव्य पाठ का श्रवण किया। जिस श्रद्धा से आप सभी ने इस पाठ का श्रवण किया है, स्वयं पाठ किया है, उसी रूप में जगदम्बा वैष्णो माता प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी माता से प्रार्थना है। सर्वभूता यदा देवी स्वर्ग मुक्ति प्रदायिनी तुम स्तुता स्तुते का वा भंतु परमोक्त्या। देवी, तुम स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावाणी हो। जब तुम स्वर्ग रूपा देवी स्वर्ग का मोक्ष प्रदान करने वाली हो तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी युक्तियां और क्या हो सकती है। सर्वस्य बुद्धि रूपेण जनश्री संस्थे स्वर्गापवर्ग देवी नारायणी नमोस्तुते। बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। कला काष्ठादि रूपेण परिणाम प्रदायिनी विश्वस्य परतो शक्ति नारायणी नमोस्ते। कला काष्ठादि से के रूप से क्रमशः परिणाम अवस्था परिवर्तन को ले जाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने में स्वस्थ नारायणी तुम्हें नमस्कार है। सर्व मंगल मंगल ने शिवे सर्वार्थ साधि के शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्ते। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाली शरणागत बसला तीन नेत्र वाली गौरी हो। हम सभी भक्तजन भक्तिपूर्वक श्रद्धा पूर्वक आपको नमस्कार करते हैं। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरा वाली जीदा बोल सच्चे दरबार की जय। ओम ज्ञानी नाम अभी चेतांसी देवी भवती सा वलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रच्छति। विभक्ति महामाया देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्व खींच कर मोह में डाल देती हैं। हम भक्तों की बात ही क्या है, स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी मोह के चक्र में पड़ करके पुनः पुनः संसार में आया करते हैं। एक बार स्वयं भगवान विष्णु ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए श्वेत द्वीप में जाकर के 10,000 वर्ष तक तपस्या करते रहे। वहीं मोह की निवृत्ति के लिए ब्रह्मा जी दूसरे स्थान पर तपस्या कर रहे थे। थोड़े समय के पश्चात वो उठे और दूसरे स्थान को जाने के लिए उद्यत हुए। दोनों रास्ते मिलते हैं और एक दूसरे को पूछते हैं, आप कौन हैं, आप कौन हैं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं सृष्टि का सृजन करता चतुर्भुज रूपधारी ब्रह्मा हूँ, आप कौन हैं? विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं चतुर्भुज रूपधारी सृष्टि का पालन करता संपन्न विष्णु हूँ। विष्णु जी कह रहे हैं ब्रह्मा जी से कि आप तो रजोगुण संपन्न हैं, मैं सत्यगुण संपन्न हूँ। और जब मधु और कैटव आपको मारने का उद्योग कर रहे थे तब मैंने ही 5,000 वर्ष तक उनके साथ वायु युद्ध करके आपकी रक्षा की थी। आप अपने आप को बड़ा क्यों बताते हैं? इस प्रकार अपने आप को बड़ा बताने के लिए उन दोनों में वाक युद्ध होने लगा। उनके नेत्र रक्त वर्ण हो गए, उनके होठ फड़कने लगे और वाद विवाद होने लगा कि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। तभी उनके बीच एक श्वेत महालिंग प्रकट हुआ और आकाशवाणी हुई कि आप आपस में क्यों झगड़ते हैं? आप दोनों में से जो इस श्वेत महालिंग के ऊपर तथा नीचे के शोर का पता लगा लेगा वही सदा के लिए बड़ा हुआ और इसके लिए आपको एक मध्यस्थी बना लेना चाहिए। उस समय भगवान विष्णु उस श्वेत महालिंग के पाताल की ओर गए और ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए। विष्णु जाते जाते थक गए परंतु उसके नीचे के शोर का पता नहीं लगा पाए और अपने स्थान पर आ गए। ब्रह्मा जी ऊपर जा रहे हैं परंतु ऊपर नहीं पहुंच पा रहे हैं और शिवलिंग के मस्तक से गिरा हुआ केतकिया फूल है उसको ला करके अभिमान पूर्वक भगवान विष्णु से कह रहे हैं कि मैं इस श्वेतलिंग के ऊपर तक गया था और ये केतकी का फूल पहचान के लाया हूँ। उस समय विष्णु कह रहे हैं कि इसका साक्षी कौन है? कोई सत्य वक्ता साक्षी होना चाहिए जो ये बताए कि आप ऊपर तक गए थे।
तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि इतने दूर से कौन आएगा, स्वयं जय केतकी ही बता देगी कि मैं ऊपर तक गया था। उस समय केतकी फूल ने कहा कि महाराज विष्णु जी, आपको इसमें संदेह नहीं करना चाहिए, ब्रह्मा जी श्वेतलिंग के ऊपर तक गए थे और मुझको भक्त द्वारा चलाए गए मुझको वहां से लेकर के आए हैं। परंतु विष्णु ने कहा कि मेरे लिए महादेव जी साक्षी हैं, यदि वह ऐसा बता देते हैं तो मैं सत्य मान लूंगा। उस समय महादेव जी प्रकट होकर कहा कि केतकी तूने झूठ बोला है, तू असत्य वाचनी है, इसलिए क्योंकि ब्रह्मा जी ऊपर तक तो पहुंचे नहीं, बीच में ही तुझको लेकर के आकर के दिया है, इसलिए आज से मैंने तेरा परित्याग कर दिया है। तभी से केतकी का फूल जो शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ता। ब्रह्मा जी निरज्ज हुए और विष्णु के चरणों में गिर पड़े। कहने का तात्पर्य यही है कि हम भक्ति नहीं देवता भी जब ऐसे मोह में पड़ जाते हैं, झूठ बोलते हैं, हम भक्त में बात ही क्या है। स्वयं विष्णु भगवान भी लक्ष्मी का साथ छोड़ करके दैत्यों के साथ युद्ध करते हैं, जब उन देवताओं में ऐसा पाया जाता है तो उन भक्तों को की बात ही क्या है। इसलिए इसके लिए कि हम मोह में ना पड़े, हमें सदैव इन्हीं महामाया की शरण में जो त्रिशक्ति के रूप में विभक्त होकर के इस दिव्य भाव विराजमान है, शरण में रहना चाहिए। ये तीनों महाशक्तियां आदि काल से संपूर्ण विश्वभर में संयुक्त रूप में केवल इसी दिव्य भाव विराजमान है, अन्यत्र सम्मिलित रूप में इनके दर्शन दुर्लभ है। आप सभी सौभाग्यशाली एक पुण्यकर्मी हैं जिनको आज माता महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती जी आदि काल से संपूर्ण विश्वभर में संयुक्त रूप में केवल यही विराजमान होती है। आपको शक्ति ऐश्वर्य ज्ञान के वरदान से संबंध कर रही हैं। तीनों महाशक्ति जड़ मूल से एक है, ऊपरा के तीन स्वरूप और इनके चरणों से गंगा स्नान कराती हुई परिक्रमा करती बह रही हैं, जिसमें आप स्नान करते हैं, जनावत ग्रहण करते हैं। इन्हीं के साथ बाएं हाथ पहाड़ी पार प्राकृत रूप से विराजमान गणपति महाराज, सूरज, चंद्रमा, बटुक तथा प्रहलाद जी और सातवें महाराज का वरद हस्त भक्तों प्रत्येक क्षण आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। सामने शंकर भगवान शिवलिंग रूप में विराजमान और इन्हीं तीनों महाशक्तियों का निवारण मंत्र बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे कलिकाल में भक्तों का विशेष उद्धार करने वाला है, जिसमें ऐं के चरण से आपको विद्या की प्राप्ति होती है। जो बच्चे विद्या में निर्बल हैं, केवल ऐं ऐं अक्षर का उच्चारण करने मात्र से ही विद्या में निपुण हो सकते हैं। ह्रीं के चरण से आपको दूध पुत्र धन ऐश्वर्य सुख संपत्ति नेक कमाई हर प्रकार की मनोकामना घर गृहस्थी देश वेश में सिद्धि मान प्राप्त होता है और क्लिंग के चरण से आपको शक्ति प्राप्त होती है, आपके शत्रु रोगों का नाश होता है। चामुंडा माता जी का नाम एवं बिच्छे के रूप में आप हमें अभय प्रदान करती हैं। आइए इसी निवारण मंत्र का उच्चारण माता जी चरण बैठे हुए हम सभी भक्तियां तीन बार करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा देविचे, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा देविचे। सचिया ज्योता वाली माता तेरी सदा, जय गरा छेर वाली जीदा, भोर सच्चे दरबार की जय। घर में भी नित्य प्रति स्नानोपरांत शुद्ध वस्त्र धारण करके आप इसका कम से कम एक माला जाप अवश्य करें, जिससे तीनों शक्तियां आपको स्वतः प्राप्त हों और आपकी गृहस्थी ठीक प्रकार से चले। दुर्गा वैष्णो माता, आप आए हुए सभी भक्तों की मनोकामनाएं जो अपने मन में संजोए माता प्रति लाए हैं सभी पूर्ण करें। माता जी का वरद हस्त सदैव आपके शीश पर रखा रहे और आप उत्तरोत्तर उन्नति अग्रसर होते रहें। सचियां ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय, जयकारा शेरा वाली जीदा, बोल सच्चे दरबार की जय। अभी भजन की वेला है, सभी भक्तियां उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता भेटों में योगदान देंगे। सर्वप्रथम निवेदन है श्री जयपाल जी से, अपनी मधुर बहन प्रस्तुत कर रहे हैं श्री जयपाल जी। जयकारा शेरावाली जय, बोल सच्चे दरबार की जय। कट दी हमेशा ही जदा सदित दुख रही, कट दी हमेशा है तुदा सदेह दुख रही, कट दी हमेशा ही जदा सदित दुख रही, कट दी हमेशा है तुदा सदेह दुख रही। मेरी बारी कानू मैया गुफा विच लुक गई, कट दी हमेशा ही जदा सदित दुख रही, कट दी हमेशा ही जदा संदित दुख रे, कट दी हमेशा ही जदा संदित दुख रे।
ताली के बाद देवी है, कई भक्त हाथ ऊपर उठाकर महाराज चरण में हाजिरी देंगे और ऊंचा बोलेंगे। दिन कटे तेरे ही सहारे ते शेरा वाली मिट का तेरे ही सहारे ते जिंदगी दे दिन कटे तेरे ही सहारे ते शेरा वाली मिट का तेरे ही सहारे ते जिंदगी दे दिन कटे तेरे ही सहारे ते शेरा वाली मिट का तेरे ही सहारे ते जिंदगी दे दिन कटे तेरे ही सहारे ते दुख विच रुल रुल जिंद मेरी मुक गई हमेशा ही जदा सदे तो दुखरी कटदी हमेशा जदा सदे हो दुखरी कटदी हमेशा ही जदा सदे तो दुखरी कटदी हमेशा जदा सदे हो दुखरी तेरी बारी कानू मैया गुफा विच लुक गई कटदी हमेशा ही जदा सदे तो दुखरी कटदी हमेशा जदा सदे हो कटदी हमेशा ही जो दस दे तो दुख रे कटदी हमेशा तू दस दे हो दुख रे जर जर विच तेरी ज्योति दा नूर है अभिमानी आखे मेरी दादी में थंदूर है तेरी ज्योति का नूर है अभिमानी आखे मेरी दादी में दसूर है जडर विच तेरी ज्योति का नूर है अभिमानी आखे मेरी दादी में थंदूर है जडर विच तेरी ज्योति का नूर है अभिमानी आखे मेरी दादी में दसूर है गर्दन जगत दी ही तेरे द्वारे चुक गई कटदी हमेशा ही जो दस दे तो दुखरे कटदी हमेशा तू दस दे हो दुखरे कटदी हमेशा ही जो दस दे तो दुखरे कटदी हमेशा तू दस दे हो दुखरे हां मेरी बारी कान में ये रूप विच लुक गई कटदी हमेशा ही जो दस दे तो दुखरे कटदी हमेशा तू दस दे हो दुखरे कटदी हमेशा ही जो दस दे तो दुखरे कटदी हमेशा तू दस दे हो दुखरे सुन के पुकार तो यलता अवतार जी देवते आकिति जत मिल के पुकार जी सुन के पुकार तो यलता अवतार जी देवते आकिति जत मिल के पुकार जी सुन के पुकार तो यलता अवतार जी देवते आकिति जत मिल के पुकार जी सुन के पुकार तो यलता अवतार जी मेरे उते दया करनी क्यों मैया युक गई कटदी हमेशा ही जो दस दे हो दुखरे कटदी हमेशा तो दस दे हो दुखरे कटदी हमेशा ही जो दस दे तो दुखरे कटदी हमेशा तो दस दे हो दुखरे ओ मेरी बारी कानू मैया भूख विच लुक गई कटदी हमेशा ही जो दस दे तो दुखरे कटदी हमेशा तो दस दे हो दुखरे कटदी हमेशा ही जो दस दे तो दुखरे कटदी हमेशा जो दस दे तो दुखरे पुत्रन कोई ना संभालदा बोल के की हाल दस जग के जजालदा माव बिन पुत्रन कोई ना संभालदा खोल के की हाल दस जग के जजालदा माव बिन पुत्रन कोई ना संभालदा बोल के की हाल दस जग के जजालदा माव बिन पुत्रन कोई ना संभालदा असवाल बेल मेरी क्यों मैया सुख गई आहो कटदी हमेशा ही जो दस दे तो दुखरे कटदी हमेशा तू दस दे हो दुखरे कटदी हमेशा ही जो दस दे तो दुखरे कटदी हमेशा जो दस दे तो दुखरे
तेरे दर्शना नु लोचदा आव की मैं कोल तेरे एह पे सोचदा सामना निवाना तेरे दर्शना नु लोचदा आव की मैं कोल तेरे एह पे सोचदा चमन नमन तेरे दर्शना नु लोचदा आव की मैं कोल तेरे एह पे ਸਮਨ ਨਿਵਾਣ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਚਦਾ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਆਉ ਪੇ ਲੋਚਦਾ ਵਿਸ਼ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਲ ਜੁਰਕ ਗਈ ਕੱਟਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਰੇ ਕੱਟਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਜ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਦੁੱਖ ਰੇ ਆ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਕਾ ਨੂੰ ਮਈਏ ਬੁੱਫ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਗਈ ਕੱਟਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਰੇ ਕੱਟਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਜ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਦੁੱਖ ਰੇ ਕੱਟਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਰੇ ਕੱਟਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਰੇ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਵਾਲੀ ਦਾ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਮਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘ ਪਾਰ ਜਾਵਾਂ ਮਾ ਮੈਨੂੰ ਆਸਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਏ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਸਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਲ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਮੰਗਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਮੰਗਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਲ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਲ ਵੀ ਕੱਲ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਮੰਗਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰਦੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰਦੀ ਜੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਬੱਚੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਜੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਬੱਚੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਸਹਾਰੇ ਮਈਆ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਈ
ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਮਈਆ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਏ ਹਰ ਸਾਲ ਮਈਆ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਏ ਹਰ ਸਾਲ ਮਈਆ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਏ ਕੋਈ ਕੋਈ ਤਮੰਨਾ ਮੈਂ ਦੀਦਾਰ ਪਾਉਣਾ ਏ ਕੋਈ ਤਮੰਨਾ ਮੈਂ ਦੀਦਾਰ ਪਾਉਣਾ ਏ ਮਾਈ ਕੋਈ ਤਮੰਨਾ ਮੈਂ ਦੀਦਾਰ ਪਾਉਣਾ ਏ ਕੋਈ ਤਮੰਨਾ ਮੈਂ ਦੀਦਾਰ ਪਾਉਣਾ ਏ ਤੇਰੀ ਚੌਕਟ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਮੰਗਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਮੰਗਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਲ ਵੀ ਕੱਲ ਵੀ ਕੱਲ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਲ ਵੀ ਕੱਲ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਮੰਗਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਮੰਗਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਈ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਮੰਗਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਈਓ ਮਈਆ ਏ ਤੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਏ ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਈਓ ਮਈਆ ਏ ਤੇਰੀ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਲ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਈਆ ਰਾਣੀ ਕਰਦੀ ਨਿਹਾਲੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਈਆ ਰਾਣੀ ਕਰਦੀ ਨਿਹਾਲੇ ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਈਆ ਰਾਣੀ ਕਰਦੀ ਹਾਲ ਹੈ ਹਰ ਪਲ ਮਈਆ ਰਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪਲ ਮਈਆ ਰਾਣੀ ਮਈਆ ਰਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਮੇਰ ਹੋਵੇ ਜੇ ਦਾਤੀ ਤੇਰੀ ਮੇਰ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁਲਾਵਾਂਗੇ ਕੋਈ
ਪਈ ਤੇ ਮੰਗਾਂਗੇ ਮੁਖ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਮੰਗਾਂਗੇ ਮੁਖ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਮੰਗਾਂਗੇ ਮੁਖ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਇੱਕ ਬੇਨ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਯਸ਼ਪਾਲ ਜੀ ਜੈਕਾਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਹੇ ਸ਼ਾਰਦੇ ਮਾਂ ਹੇ ਸ਼ਾਰਦੇ ਮਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਸੇ ਹਮੇ ਤਾਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਸੇ ਹਮੇ ਤਾਰ ਦੇ ਮਾਂ
ਗੁਣੀਓ ਨੇ ਸਮਝੀ ਹੈ ਗੁਣੀਓ ਨੇ ਜਾਣੀ ਵੇਦੋ ਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੁਰਾਣੋ ਕੀ ਬਾਣੀ दरबार की जय प्रातर नमामि महिषा सुर चंड मुंड कुंभासुर प्रमुख दै विनाश दक्षा ब्रह्मेन्द्र रुद्र मुनिमो हनशील लीला चंडी समस्त सुरमु तिमने कुरूपा
सचियां जोतां वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरां वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। आज बिकवादी शुभ संबत 2076 उत्तरायण उत्तर गोल ग्रीष्म ऋतु वैशाख मास की आज 7 प्रविष्टे हैं। कृष्ण पक्ष आज प्रतिपदा तिथि है शनिवार। तदनुसार 20 अप्रैल सन 2019 के दिन दुर्गा वैष्णो माता जी की असीम अनुकंपा द्वारा आप सभी श्रद्धालु भक्तों को माता जी के तपोवन के दिव्यांग में बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अतः आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं। अब सभी का माता जी के दिव्यांगन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन तथा वैष्णो माता दरबार की ओर से आपके साथ विश्व के सभी मातृभक्तों को भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव पुत्रवान भव श्रीमान यशस्वी भव प्रज्ञावान भव भूरि भूति करने दाने कनिष्ठो भव तेजस्वी भव बैरी धर्म दलने व्यापार दक्षो भव श्री शंभुर भव पाद पूर्णता सर्वोपकारी भव मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा शत्रुना बुद्धिनाशोस्तु मित्रानामुदयस्तव श्रीर्वर्चस्व आयुष्यमारोग्यमाभिधात् शुभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं चत्संवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। आपकी दीर्घायु हो, आपका आरोग्यता प्राप्त हो, आप धन धन से संपन्न हो। जिन मंत्रों का आपने श्रवण किया वे सभी सफल एवं सार्थक फल देने वाले हों। आप सदैव धर्मानुकूल कर्म करते हुए उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हों। सचिया जोता भली माता तेरी सदा ही जय जयकारा शेरां वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी सभी भक्तियां उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता जी आरती बोलेंगे। आपकी पुस्तिका के अंत पृष्ठ पर भी आरती लिखी हुई है, सभी बोलेगा। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी तुम को निशि दिन ध्यावत मैया जी को निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव हरि ओम जय अम्बे Thank you.
मैया छोड़ सबीर हरे माधु कैट भदो मारे माधु कैट भदो मारे बोल सच्चे दरबार की जय। मैं अब छोड़ कर सारे दुनिया के धंधे मैं अब छोड़ कर सारे दुनिया के धंधे मैं अब तोड़ कर सारे दुनिया के फंदे तोड़ कर सारे दुनिया के फंदे तुम्हारी भवानी करण करने आ गया हूँ मैं करने को शुद्धि करने आ गया हूँ तुम्हारी भवानी करने आ गया हूँ तुम्हारी भवानी करने आ गया हूँ तेरा अंश हूँ मैं तुम्हीं से हूँ बिछुड़ा तेरा अंश हूँ मैं तुझी से हूँ बिछुड़ा
परम पूजनीय श्री पुजारी महाराज माता जी पूजागर के गुफा द्वार पर पधार चुके हैं। इस पवित्र गुफा का अखंड ज्योति का पूजन करेंगे। तत्पश्चात माता जी आरती होगी। आरती अब सभी भक्तों के बीच में आएगी। सभी भक्त जब बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती वंदना करना। प्रेम से बोलो जय माता दी, रल मिल बोलो जय माता दी, आहे वेला जय माता दी, दादा वेला जय माता दी, हाथ वेला जय माता दी, आप बोला दी जय माता दी, कट कटा दी जय माता दी, मेरा कर दी जय माता दी, जोता वाली जय माता दी, लाटा वाली जय माता दी, चोलिया वाली जय माता दी, चुनिया वाली गोपा वाली जय माता दी, हाथ वाली जय माता दी, जट कल्याणी जय माता दी, बाबा रानी जय माता दी, श्री रानी जय माता दी, वैष्णो देवी जय माता दी, बच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय करा शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी सभी भक्तियाँ दोनों हाथ जोड़ करके माता जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम, देहि मे परमं सुखम, रूपं देहि जयं देहि, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि दिशो जहि, यशो देहि दिशो जहि, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः। अभी परम पूजनीय श्री पुजारी महाराज आरती प्रारंभ करते हैं। सभी भक्त जब बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती का क्रम देखिएगा। जय माता दी। प्रथमे गुरु जी को वंदना, द्वितीय आद गणेश, तृतीय सिमरा शारदा, मेरे कार्य करो हमेश जय मां। आनंदी आनंद करो कल्याणी कल्याण, मई आठ पहर चौसठ घड़ी, जो चरणा दा ध्यान जय मां। Thank you.
खड़गम चक्र गणेशु जाप परिणाम शूलम शुंडिम शिरा शंखम सुंदर देवरेति नयन सर्वांग भूषावृता नीलाशं दधिमास पाद दशका सेवे महाकालिका यामस्तो सपिते हरो कमलयो हंसम मधुभेदवम अक्षा सर्पर शुंग देशु कुलिशं पदमं धनुष्कुंडिका दंडम शक्तिमतिं च चर्म चरयं घंटासुरावाजनम चूलाज सुदर्शन चलते प्रसन्ना देवे सेनव मर्दनी महिमा लक्ष्मी सरोजस्थिता गंडा चूल हलानी शंख मुदरे चक्रम धनुषायक हस्ता भेद सिंधनांद विलस सीता चतुल्य प्रभा गौरी देह समुद्भवांगता आधार भूता महा पूर्वा मत सरस्वती मनुवजे शुम्भादिदत्यादने त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्व मम देव देव शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुलेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णो भवभयानं सर्वलोकैकनाथं अस्तिकं केशवं रामनारायणं माघवं गोपिकावल्लवमानकी नायकं पितामहं हरे मुरारे मधुकेतवारे गोविन्द गोपाल माधुरकिशोरे ज्ञानं प्रदेहि शरणं प्रदेहि विद्यां प्रदेहि भगवन् नमोऽस्तुते हे माई मेरी सच्चिया ज्योता वाली माता तेरी सदाई पंच फूला रानी माता तेरी सदाई सर्वसदा भला करने वाली माता तेरी सदाई सारे संसार में शांति देने वाली माता तेरी सदाई लोंगड़ा भीड़ ठाकुर तेरी सदाई बोलो सच्चे दरबार की जय धर्म की जय हो धर्म की जय हो धर्म की अधर्म का अधर्म का अधर्म का प्राणियों में प्राणियों में प्राणियों में विश्व का विश्व का भारत वरे बोलो हर 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 महादेव प्रो बाबा शिवजी जय सनातन धर्म की जय गौ माता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय जयकारा माँ शेरावालिदा बोलो सांचे दरबार की जय। आप सभी भक्तजनों को माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। बोलो सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। ਸੁਰੇਸ਼ਾਂਤ
Thank you.